हेलो फ्रेंड्स, मैं ही रोमा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बना रही हूँ सुपर डिलीशियस, सुपर हेल्दी चने दाल और सगे प्याज के पकौड़े वाली सब्ज़ी। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है फ्रेंड्स, और ये बनाना भी बहुत आसान है, झटपट बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सगे प्याज और पकौड़े वाली सब्ज़ी बनाना। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए झटपट से स्टार्ट करते हैं सगे प्याज और पकौड़े बनाने के लिए। यहाँ हमने लिए हैं 250 ग्राम दाल, और इसे हमने ओवरनाइट सोक्ड कर लिया है। और मसाले में हमने लिया है यहाँ 2 टीस्पून धनिया, साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, और करीब 1 बड़ा साइज लहसुन का, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च और 1 घाट अदरक। यहाँ हमने चने दाल को ओवरनाइट सोक कर लिया है फ्रेंड्स, और अच्छे से धो लिया है। अब हम चने दाल को पीसेंगे। तो इसके लिए हमने एक मिक्सी जार लिया है, उसमें हम डालेंगे चने की दाल को, और उसमें डालेंगे हम कुछ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च और थोड़े से लहसुन हाफ, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक डालने से ये बहुत अच्छे से पीस जाते हैं, और इसे हम पीस लेंगे। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं, और सेम जार में हम मसाले भी पीस लेंगे। तो यहाँ मैं साबुत मसाले यूज कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पाउडर वाले मसाले भी यूज कर सकते हैं। इसे हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। अब हम यहाँ पकौड़े के लिए काटेंगे सगा प्याज। इसे भी हम अच्छे से छोटे छोटे महीन महीन टुकड़ों में कट कर लेंगे। अब हम यहाँ थोड़े से धनिया के पत्ते लिए हैं, उसके हम डंठल भी काट कर कट करके डाल देंगे इसमें। इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है पकौड़े का। देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी सगे प्याज और धनिया पत्ती के डंठल काट लिए हैं, और अब हम इसे दाल में मिक्स कर लेंगे। और अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, और 1/4 टीस्पून अजवाइन। इससे पकौड़े का टेस्ट बहुत अच्छा आता है अजवाइन डालने से, और इसे हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और यहाँ हमने तेल गर्म होने रख दिया है, तो जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तो हमने इसे मिक्स कर लिया है। और अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पकौड़े तल लेंगे। तो तेल गर्म हो गया है फ्रेंड्स, इस टाइम पर हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे, नहीं तो पकौड़े जल जाएंगे। और यहाँ मैं सभी पकौड़े जितने कढ़ाई में आ पाएंगे उतना डाल दूँगी, जो कि अच्छे से चले, क्योंकि पकौड़े अभी थोड़े से फूलेंगे भी। तो फ्रेंड्स, जब भी आप लोग ये पकौड़े बनाएं, थोड़े ज़्यादा बनाएं, क्योंकि ये सूखे भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो सूखे ही ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पकौड़े को करीब 1/2 मिनट से थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो इसे हम पलट रहे हैं, क्योंकि तुरंत पलटने से पकौड़े टूटने लगते हैं। तो अब हम इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब तक हमारे पकौड़े फ्राई हो रहे हैं, तो इधर हम ग्रेवी के लिए प्याज कट कर लेते हैं। तो प्याज को हम यहाँ फाइनली चॉप कर लेते हैं, बिल्कुल महीन महीन। तो ग्रेवी के लिए यहाँ हमने 2 प्याज लिए हैं मीडियम साइज के, और 1 टमाटर लिए हैं। सभी को हम अच्छे से महीन कर लेंगे, महीन कट। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पकौड़े भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं।
इसी तरह हम सभी पकौड़े को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैं बड़े बड़े पकौड़े बना रही हूँ फ्रेंड्स, आपको अगर छोटे पसंद हो तो आप छोटे पकौड़े भी बना सकते हैं। मेरे यहाँ सभी को बड़े पकौड़े पसंद होते हैं तो मैं बड़े पकौड़े बना रही हूँ। ये पकौड़े सूखे भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो हमने यहाँ सभी पकौड़े तल लिए हैं फ्रेंड्स। अब हम मुझे यहाँ कढ़ाई में ऑयल ज़्यादा लग रहा था तो हम एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिए हैं। तो ऑयल हमारा गर्म है, इसमें हम डाले हैं 1/4 टीस्पून जीरा, तेज़पत्ता और एक लाल मिर्च, और इसे हम थोड़े से क्रैकल होने देंगे। उसमें हम डालेंगे कटा हुआ प्याज। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्याज गोल्डन हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है हमारा प्याज। अब हम इसमें डालेंगे पिसे हुए मसाले और इसे हम अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी और इसे हम अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला कितने अच्छे से भून रहा है और मसाला भी हमारा अच्छे से करीब करीब भून चुका है और कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। तो इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें टमाटर, कटा हुआ टमाटर, और साथ ही साथ इसमें डालेंगे नमक, जिससे कि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाए, और इसे चलाते हुए भूनेंगे। तो हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे, हमने जिस बर्तन में पकौड़े बनाए थे उसी में थोड़े से पानी डाल के डाल दिए हैं, ताकि हमारी ग्रेवी भी थोड़ी गाढ़ी हो जाए वो लगा हुआ दाल से, और इसे भी हम अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। तो हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है फ्रेंड्स। अब हम इसमें डालेंगे ग्रेवी के लिए गर्म पानी। तो आपको जितना ग्रेवी रखना है फ्रेंड्स, उतना इसमें आप पानी डाल सकते हैं। ग्रेवी आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं, जिस तरह की ग्रेवी आपको पसंद हो। और साथ ही साथ हमने इसमें डाल दिया है 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और इसे ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे पकौड़े। पकौड़े में हमने यहाँ चाकू से इस तरह से कट लगा दिए हैं, जिससे कि पकौड़े में अंदर तक ग्रेवी जाए और पकौड़े बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो बिना कट के भी सॉफ्ट हो जाते हैं, बट मैं यहाँ कट लगा रही हूँ, तो कट लगाने से बिल्कुल और अच्छे से अंदर ग्रेवी जाते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ हमने डाल दिया है करीब 3 बड़े चम्मच फेटी हुई दही। इस तरह दही डालने से फ्रेंड्स पकौड़े में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और हमने यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं मिलाया है, क्योंकि यहाँ जो थोड़ा सा पनीर पनीर टाइप का हो जाता है छोटा छोटा, तो वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो साथ ही साथ हमने यहाँ डाल दिए है कटी हुई धनिया पत्ती, और इसमें उबाल आने देंगे और इसे हम ढक के 1 मिनट पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने 1 मिनट पका लिए हैं और गैस का फ्लेम कर दिए ऑफ। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा सगे प्याज का पकौड़े वाली सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है, और अब हम इसे सर्व करेंगे। ये सब्जी फ्रेंड्स खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, और ये बनाना भी बहुत आसान है। और अभी मार्केट में बहुत सारे सगे प्याज आ रहे हैं, और सगे प्याज तो होते ही हेल्दी हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ मैंने इसमें थोड़े गार्निश के लिए धनिया पत्ती लगा दिए हैं। और लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा सगे प्याज वाले पकौड़े की सब्जी। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो इसे आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपना अनुभव हमें कमेंट में शेयर करें।
साथ ही साथ इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें। तो अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।